हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंजनस रेसिपी। आज हम बैंगन और आलू का रस वाला सब्जी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, तो आइए हम बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं रस वाला बैंगन का सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ये हमने प्याज काट ली है, एक प्याज काट ली है। ये हमने बैंगन काट ली है इस साइज़ में। आलू भी मिक्स कर ली है इसमें, आलू को भी हमने काट ली है इसी साइज़ में। अब हम इसमें मैगी मसाला ऐड करेंगे और इसको हम रस वाला सब्जी बनाएंगे। इसमें हम एक टमाटर ऐड करेंगे। पैन गरम हो गया है, तेल गरम हो गया है हमारा। हम इसमें तेल में जीरा डालेंगे थोड़ा सा। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे इसको, प्याज को। हम इसमें मिर्ची नहीं मिला रहे हैं अभी, मिर्ची पाउडर मिलाएंगे बाद में। हल्का ब्राउन हो गया है, ऐड करेंगे हल्दी, नमक आपके स्वाद अनुसार। अब कितना रस डालना चाहोगे उतना आप नमक डालिए। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनता है बैंगन का रस वाला सब्जी। तो आइए हम ऐड करते हैं बैंगन और आलू जो हमने काटा हुआ है, उसको हम ऐड कर देते हैं। हमने अच्छे से मिला ली है, अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर कर दें हमने इसको, हम सिमर में रखेंगे। अब हम इसमें टमाटर, एक टमाटर हमने काट लिया है बारीक, उसको हम डालेंगे। अब हम सब्जी में ये मैगी मसाला काट के एक चम्मच, इससे मेजर करके एक चम्मच हम सब्जी में डालेंगे। हम मैगी मसाला डालेंगे इसमें, मिक्स करेंगे इसको। अब हम सब्जी में साइड से हम पानी डालेंगे, साइड से पानी डालेंगे हम ऐसे। पानी डालने के बाद हम सब्जी को नहीं चलाएंगे, इसको अपने आप उबाल आने देंगे। सब्जी को हम नहीं चलाएंगे पानी डालने के बाद। अब हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे हम। सब्जी हमारा बन गई है, अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, इसको मिला लेंगे। हमारा सब्जी बन गई है, गैस ऑफ कर देते हैं हम। ये देखिए बैंगन का रस वाला सब्जी है ये। देखिए बैंगन जैसे का तैसे है, आलू भी जैसे का तैसे ही है। रस देखिए कितना मज़ेदार लग रही है। तो आप भी बनाइए, खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।